मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के अजान के बयान पर अब मुमरा में भी एनसीपी पार्टी आक्रामक रूप ले रही है। मुमरा में मनसे ऑफिस की बोर उतारने की चेतावनी आज एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनसे पदाधिकारी इरफान सैयद को दी है। आपको बता दें कि मुमरा के तनवर नगर में स्थित महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की ऑफिस है और इसके कलवा मुमरा अध्यक्ष है इरफान सैयद। एनसीपी पार्टी के अयाज बबलू ने आज रात 12 बजे तक मनसे ऑफिस से बोर्ड उतारने की चेतावनी दी है। साथ ही एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अगर आज रात 12 बजे तक ये बोर्ड नहीं उतरा तो एनसीपी पार्टी अपने स्टाइल में ये बोर्ड उतारेगी। वही इस पूरे मामले में मनसे पदाधिकारी इरफान सैयद और एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता अयाज बबलू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इरफान भाई, आज यहाँ पर एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे और जो मनसे का आपका बोर्ड लगा हुआ है उसे उतारने के लिए कहा गया, क्या पूरा मामला? मैं जो है कलवा मुमरा विधानसभा महाराज नवनिर्माण वाहतुक सेना अध्यक्ष, मेरा पोस्ट है और मैं मनसे का पदाधिकारी हूँ। आज करीब 2-3 बजे के करीब में एनसीपी के कार्यकर्ता एक रफीक भाई करके और एक आयात बबलू आयात करके वो आए थे। उन्होंने कहा कि आप जो है ऑफिस बंद करें, बोर्ड उतारें, मनसे का रास्ता ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये बोल रहे हैं और नहीं उतारेंगे तो हम अपने एनसीपी की स्टाइल से हम आपका ऑफिस। आपको समय दिया गया है कि आज रात 12 बजे के पहले मनसे का जो है बोर्ड आपके ऑफिस से हट जाना चाहिए। मुझे ऐसा उन्होंने कहा है कि 12 बजे तक रात के आप जो है बोर्ड हटा दीजिए। तो क्या हटाएंगे आप? नहीं, हम क्यों हटाएंगे? आपने अपने मनसे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे इस संदर्भ में बातचीत की? हाँ, हमने बातचीत की है। हमारे महाराज के जनरल सेक्रेटरी हैं आरिफ भाई, उनसे बात हुई है। राजू गायकवाड़ करके उनसे बात हुई है, और भी बात हुई है मेरी बड़े पदाधिकारियों से, और हमें कहा गया है जो पुलिस स्टेशन में हमने बात भी किया है पार्टी सर से। कुछ तोड़ फोड़ की वगैरह की ऐसी धमकी दी गई है क्या? हाँ, वही अंदाज हो गया उनका कि हम एनसीपी के स्टाइल में जो है ऑफिस बंद कराएंगे मनसे का। उनका कहने का मतलब यही है। आपने कुछ कंप्लेन वगैरह किया पुलिस? हाँ, हमने शरद पाटिल करके हैं मुमरा पुलिस स्टेशन में, मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि हम 1-2 घंटे में थाना में हैं, वो थाने से आएंगे तो वो हमारे ऑफिस में विजिट करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आज बबलू भाई, आज आप मुमरा में मनसे पार्टी के ऑफिस पर गए थे और वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसे उतारने की चेतावनी देकर आप आए हैं कि रात 12 बजे तक ये बोर्ड उतर जाना चाहिए, नहीं आप एनसीपी पार्टी के स्टाइल में ये बोर्ड उतारेंगे। देखिए, जिस तरीके से राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन, हिंदू वर्ष 9 वर्ष के दिन, उसने जो देश में एक गंदगी का जो माहौल पैदा किया है देश में, महाराष्ट्र के अंदर खासकर जो उसने गंदगी फैलाई है, क्या भाई भोंगे अजान के आज तक महाराष्ट्र में ये कभी हुआ नहीं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भोंगे उतारे जाए वरना मैं मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजाऊंगा। तो उसको हनुमान चालीसा बजाने जाएगा ना तो उसको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र के जो मराठी मुस्लिम है वही उसको मार के भगा देंगे। वो जो अपनी जो सत्ता से जो गिर चुका है ना, जो सत्ता से गिर चुका है, जो लोग उसको उठने के लिए बस, तो उसके पास में भी एक ही चारा है कि हिंदू मुस्लिम का नारा करो और अपने आप को हिंदुस्तान में वो करो और अपनी सत्ता लाने की कोशिश करो, तो वो ये भूल जाए। अभी जो मनसे की पार्टी ऑफिस है वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसे उतारने के लिए आप चेतावनी दी है 12 बजे तक? देखिए, जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दिया है, जिस प्रभाव से उसने स्टेटमेंट दिया है, तो हम लोग भी कोई गिरे हुए लोग नहीं है। तो क्या करेंगे आप? हम लोग हमारी स्टाइल में बोर्ड उतारेंगे, हम उतार लेंगे उसको, फिर केस बने क्या होता है हो जाए ना। जब वो एक्शन मोड पे आए तो हम लोग उसका रिएक्शन देंगे जरूर। हम एक तो हिंदुस्तानी है, दूसरे मुसलमान है और तीसरा मराठा मुस्लिम है, और मराठा मुस्लिम झुक के नहीं चलता है, खड़े होके चलता है। तो उसको उसकी आवाज़ में हम लोग उसकी स्टाइल में उसको जवाब देंगे।